मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और हमारी बहन, आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा आदेश देने के बाद मैं हाजी सबील मुख्य चुनाव प्रभारी, हम लोगों ने आपसे निवेदन करके प्रार्थना करके आप सब लोगों को यहाँ अपने यहाँ जो है बुलाया चुनाव कार्यालय पर। साथियों, आज सुबह टेलीविज़न समाचारों और सोशल मीडिया के जरिए ये समाचार मिला कि दलितों की बात करने वाली, आरक्षण को बचाने की बात करने वाली और संविधान को बचाने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने, आपको भी सबको मालूम है, सारे साथियों को, उन्होंने राजनीतिक रूप से बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। उसी के संबंध में हम लोगों ने ये पीसी बुलाने का काम किया है। साथियों, मायावती जी ने प्रेस के द्वारा प्रदेश की जनता के सामने अपनी पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में भाजपा ने हमें सपोर्ट किया है, हम आगे भाजपा को विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव में सपोर्ट करेंगे और अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। मायावती जी के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि बसपा की भाजपा से डील और गहरी सांठगांठ हो चुकी है। जो शंकाएँ पहले से थीं, उन्हीं शंकाओं को बहन जी ने साबित किया है। इस सांठगांठ से ये स्पष्ट है कि मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को नकार दिया है और लोकतंत्र खत्म करने, संविधान को बदलने, षड्यंत्र करने और आरक्षण को समाप्त करने वाली भाजपा और आरएसएस के बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हो गई हैं। बहुजन समाज दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिम भाइयों के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई के हितों को छोड़कर हमारे व देश विरोधी आरएसएस व भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों से जा मिली हैं। भाजपा ने संविधान में मिले दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करने का कार्य किया है। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करके आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। सरकारी विभागों का निजीकरण करके कमज़ोर वर्ग के बच्चों को बेरोजगार करने का काम किया है और देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में अन्याय, अत्याचार की घटनाएं जो तेज़ी से बढ़ी हैं, लोगों में भय व्याप्त है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक समाज के साथ भी यही रवैया अपनाकर प्रत्येक क्षेत्र में माइनॉरिटी के लोगों को कमज़ोर करने का काम किया है। आज समस्त बहुजन समाज बसपा एवं भाजपा की इस सांठगांठ से बुरी तरह आहत है। बहुजन समाज अब भाजपा एवं बसपा के इस नापाक गठबंधन का पुरजोर विरोध करके उनके आरक्षण को ख़त्म करने, संविधान को बदलने के इस नापाक इरादे को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरा बहुजन समाज आज एकजुट होकर आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज खड़ा है। मैंने बुलंदशहर के लोगों से भी ये अपील की है, आज़ाद समाज पार्टी के हमारे सारे साथी यहाँ, माननीय शिरीष जी, माननीय आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, माननीय डॉक्टर बी पी नीलरतन जी, हमारे प्रवक्ता माननीय एहसान खान जी, हमारे जौन के प्रभारी और सीनियर नेता भाई एहसान साहब, भाई अर्जुन सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर एडवोकेट मदन पाल गौतम जी, भाई नवेद अयाज जी और भाई रईस साहब, जितने भी हम सब साथी हैं, हम लोगों ने बुलंदशहर की जनता से ये अपील की है कि आज और कल की घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायक बहन जी की इन्हीं ये जो एक तरह से जो है जो नीति उन्होंने जो कल भी जो उन्होंने किया है, आज उन्होंने जो प्रेस पीसी की है, इन्हीं से आहत होकर बसपा के 7 विधायक बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं और बहन जी का सीधे सीधे भाजपा के साथ जो गठजोड़ हुआ है, हमारी पार्टी और बहुजन समाज इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। बहन जी के चेहरे से जो एक मुखौटा था, जो बहन जी ये कहा करती थी कि मैं आरक्षण को बचाऊंगी, मैं संविधान की रक्षा करूंगी, वो पूरा मुखौटा जो है बेनकाब हो चुका है और अब बुलंदशहर के मतदाताओं को तय करना है कि
कि आप सांप्रदायिक और आरक्षण विरोधी और संविधान को समाप्त करने विरोधी जो ताकतें हैं, जो षड्यंत्र इनके द्वारा चल रहा है भाजपा आरएसएस, अब उस षड्यंत्र में बसपा और बहन कुमारी मायावती जी भी शामिल हो चुकी हैं। संविधान को ख़त्म करने का षड्यंत्र, आरक्षण को ख़त्म करने का षड्यंत्र जो इस देश के अंदर चल रहा है, उस षड्यंत्र में भाजपा आरएसएस के साथ आज की बहन कुमारी मायावती जी की पीसी से पूरा पूरा साफ हो गया है कि मायावती जी भी उस षड्यंत्र के अंदर शामिल हो चुकी हैं। और साथियों, लगभग 6 वर्षों से पूरे देश के अंदर घूम घूम कर संघर्ष कर रहे और आंदोलनों के जरिए पूरे देश को जगाने का काम कर रहे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनकी आज़ाद समाज पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के आदर्शों, सिद्धांतों और विचारधाराओं को आगे बढ़ाने तथा उसकी रक्षा करने के लिए बनी है। हम सभी दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, शोषित, वंचित, गरीबों और समाज के हर तबके से ये अपील करना चाहते हैं कि आप बसपा, जो अब भाजपा की सहयोगी पार्टी बन चुकी है, उससे सावधान रहें और बुलंदशहर के इस उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन साहब को ऑटो रिक्शा के साम के निशान पर वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाकर उपचुनाव में सांप्रदायिक ताकतों, आरएसएस, भाजपा और उसका समर्थन करने वाली बसपा को करारा जवाब देने का काम करें। धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च के महीने में केंद्र सरकार को ये आदेश दिया गया है कि जो परिवार 8 लाख रुपए वार्षिक आय प्राप्त करते हैं वो भूमि लेयर की श्रेणी में आते हैं, उनको ऐसा माना गया है कि अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हमारा इसमें ये मानना है कि जो परिवार अपने बच्चों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करा सकते हैं वह परिवार 8 लाख की श्रेणी में मान लिए गए, और जो मजदूर हैं वो अपने बच्चों को हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो जब वैकेंसी निकलेगी आरक्षित वर्ग की, तो वहाँ जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में बच्चे आ गए हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे हाई स्कूल पास नहीं है तो वहाँ अप्लाई कौन करेगा। तो इस प्रकार से एक सोची समझी रणनीति के तहत आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। सर, दलित किसे कहते हैं? जो कमजोर है। तो आरक्षण कमजोर को मिलना चाहिए? हाँ। या किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहिए? कमजोर को मिलना चाहिए। कमजोर को आरक्षण मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है। तो फिर आप ये बताइए कि इसमें गलत है, उन्हें विकसित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं, जिसे आरक्षण कहते हैं। दलित एक जाति है या एक अवस्था है? दलित कोई जाति नहीं है, दलित जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वही दलित हैं। तो जो दलित ब्राह्मण हैं, जो दलित ठाकुर हैं, जो दलित वैश्य हैं, क्या उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? ये तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आर्थिक रूप से आरक्षण जो 10% पास हुआ है अभी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ये वही कमजोर लोग हैं जिनको 10% आरक्षण दिया गया है। सर, मैं क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ। क्रीमी लेयर में आपके मंत्री से सुशोभित हैं हमारे डॉक्टर बी के मेहता जी, ये एक IAS अधिकारी रहे हैं, अच्छा खासा। भैया बात मत करें, और सर आप पीछे क्यों बात कर रहे हैं? सारी चीजें रही हैं, क्या ये अभी भी दलित की श्रेणी में आते हैं? सामाजिक रूप से जिनकी उपेक्षा की जाती है, जिनको जाति आधार पर हेय दृष्टि से देखा जाता है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है क्या ये दलित की श्रेणी में आते हैं? हाँ, जाति भारत के संविधान के अनुसार जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर